लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं प्यार नहीं कर सकता, ये धोखा है। काम है अगर ये काम है, सपना है, तो मुझे इसे लड़ने की जरूरत क्या है? मेरे अंदर कौन है जो मेरे खिलाफ बगावत कर रहा है? मेरा दिल ही मेरा दुश्मन क्यों बनता जा रहा है? क्यों? वो मुझसे नफरत करने लगेगी, तभी तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। सब कुछ बता दूंगा मैं, सब कुछ। मैं तुम्हारी जान का सौदा कर चुका हूं। मैं यहां तुम्हारी हत्या करने आया था। करण, तुम भी जाग रहे हो? हमें भी नींद नहीं आई। शायद इसी को प्यार कहते हैं, है ना? काजल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। पहले पसीना तो पोंछ लो, लगता है किसी से लड़ रहे हो। मैं वो नहीं हूं जो तुम मुझे समझती हो। हम जानते हैं। क्या जानती हो तुम? प्यार सब बता देता है। नहीं काजल, ये नहीं भी प्यार है। काजल, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ये मजबूरी भी प्यार है। ये, इसे पढ़ लेना, मैंने इसमें अपनी सारी असलियत लिख दी है। हमने तुम्हारी आंखें पढ़ ली, हमें और कुछ नहीं पढ़ना। काजल, असली करण इस कागज में है। करण हमारे दिल में है। अब तुम भी कबूल कर लो करण, कि तुम्हें हमसे प्यार है। मुझे जो कबूल करना है वो सब इस कागज में दर्ज है। हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। अगर कबूल नहीं कर सकते हो कि तुम हमसे प्यार करते हो, तो लो, हमने ये कागज। अब तो तुम्हें अपने मुंह से कबूल करना ही पड़ेगा। नहीं करता। तुम्हारे इनकार में इतना जुनून है, तो इकरार का आलम क्या हो? यहां से चली जाओ काजल। कहां कहां से निकालोगे हमें करण? सीने में जिस रफ्तार से गोली उतरती है, उससे ज्यादा रफ्तार से प्यार। ये नफरत है प्यार से। ये नफरत भी प्यार है। ये नफरत भी प्यार है। जैसे ग्रंथ की रचना की। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। करण, तुम भी आ। हाथ आगे बढ़ा। अरे बंधवा लो यार, कोई हथकड़ी थोड़ी है। हाँ पुत्र, ये तो हथकड़ी से भी ज्यादा मजबूत चीज हैगी। हथकड़ी नू तुसी चाबी नाल खोल सकते हो। इसकी कोई चाबी ही नहीं। एक दफा बांध दिया ना तो बंद गए। ये मौली भी कितनी प्यारी चीज है। देखने में तो सिर्फ एक रंगीन धागा है, लेकिन इसमें कितनी दुआएं, कितनी मिन्नतें, कितनी शक्ति बंधी है। जिसके हाथ में बन जाए उसका कभी अमंगल नहीं हो सकता, और उसके हाथों से भी कभी अमंगल नहीं हो सकता। देखा काजल, अपने देश में हर चीज का मीनिंग है। जो अपने आप से लड़ता है वो हमेशा हार जाता है। तुम ये जंग हार चुके हो करण। नहीं, हरगिज नहीं। तुम अपने आप से झूठ बोल सकते हो करण, हमसे नहीं। ये झूठ नहीं, सच है। Look at me, हमारी आंखों में देखो और कहो कि तुम्हें हमसे प्यार नहीं।
चलो करण। काजल मैं कुछ नहीं जानता। जो तुम नहीं जानते हमारी चूड़ियां जानती हैं, तुम्हारे सिवा सारी कायनात जानती है। तुम्हें हमसे प्यार है? नहीं, नहीं। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। फिर ये कौन है जो तुम्हारी आंखों से हम पर हल्की हल्की बुहार की तरह बरस रहा है? फिर ये कौन है जो हमें देखकर तुम्हारे रोम रोम में किरण की तरह फूट रहा है? फिर ये कौन है जो हमें छूने के लिए तुम्हारी उंगलियों में तड़प रहा है? वो जो भी है, मैं उसे खत्म कर दूंगा। जिसे तुम खत्म करना चाहते हो वो तुमसे बहुत बड़ा है करण। वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है। उसने पहाड़ों को चीर कर दूध के दरिया निकाले। उसने तपते रेगिस्तान को अपने नंगे पैरों का महरम बनाया। उससे टकरा कर पत्थर भी टूट गए। वो आशिक है करण, आशिक। मुझे नफरत है उससे। क्योंकि तुम्हें प्यार है हमसे। कबूल कर लो करण कि तुम हमसे प्यार करते हो। मर जाऊंगा लेकिन कबूल नहीं करूंगा। ऐसी कसम मत लो जो तुम निभा ना सको। टूट जाऊंगा लेकिन कसम नहीं तोड़ूंगा। तो हमें भी इस नदी की कसम हम तुमसे कबूल करवा कर रहेंगे। ये सोनी महिवाल की नदी है। प्रेमियों के लिए इसका जल गंगा जल से भी पवित्र है। आज इस जल को हम अपनी हथेली में उठाकर सौगंध खाते हैं। अगर हमारी हथेली का जल गिर जाने तक तुमने कबूल नहीं किया तो हम समझेंगे हमारा प्यार झूठा है। हम इस नदी में कूद कर अपनी जान दे देंगे। इस जल की एक एक बूंद में हमने अपनी एक एक सांस रख दी है। और जब तक ये जल हमारी हथेली पर है हमारी जान हथेली पर है। खंजर मेरे सीने में, हत्यारा आशिक हो गया। नहीं नागेंद्र, नहीं। अब काजल की मौत एक हादसा नहीं, इंतकाम होगा। इंतकाम। उसकी आंखों में एक आशिक का जुनून है। उसे मौत का भी खौफ नहीं। वो अपनी जान देकर भी काजल की हिफाजत करेगा। हमें करण से भी ज्यादा बेरहम कातिल चाहिए। जीजाजी, दिलावर सरहद पार का आतंकवादी है। उसके राशन कार्ड में इतने कत्ल, इतने डाके, इतने रेप के केस दर्ज हैं कि उसे आदमी नहीं किलिंग मशीन कहते हैं। दिलावर मौत और दिलावर बताकर नहीं आते। काम काजल की मौत, कीमत जो तुम चाहो। जीजाजी करण वो भी मरेगा। रुक्मणी क्या हुआ? जल्दी चलिए भाई साहब, यहाँ अनर्थ हो गया है। अरे पर क्या हुआ, कुछ बोलो तो सही। काजल मेले में गई थी, वहाँ गोलियां चल गई। गोलियां चली?
मेरी मेरी काजल ठीक तो है? काजल का कहीं पता नहीं चल रहा है ना, वो भी लापता है। वो भी लापता है? हाँ, तुम हौसला रखो, मैं आ रहा हूँ। हाँ। काजल लापता है, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये काम आतंकवादियों का लगता है रोशनलाल जी, लेकिन हम यकीन के साथ कुछ कह नहीं सकते। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं अपने दोस्त नूं? ये काजल नूं कुछ हो गया तो? काजल को कुछ नहीं होगा दादू, काजल तो मासूम है और मासूम की तो भगवान रक्षा करता है। सारे पिछले कर्मों का दाह संस्कार कर दिया। हत्यारे के हाथ? ये तुम क्या कह रहे हो कर? कैदल की सब झूठ है। यही सच है, यही मेरी असलियत है। अगर आज ना कह पाया तो फिर कभी नहीं कह पाऊंगा। मैं तुम्हारी हत्या करने आया था। नहीं, रखवाला कातिल नहीं हो सकता। वो एक फरेब था, तुम्हारे करीब पहुंचने का असली मकसद तुम्हें कत्ल करना था। क्यों करण, क्यों? हमसे तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? ना मेरी तुमसे कोई दुश्मनी थी, ना तुम्हारी मुझसे। पैसे लिए थे मैंने। हमें यकीन नहीं होता, हमें बिल्कुल यकीन नहीं होता। आखिर इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत? जिंदगी जब सब रास्ते बंद कर देती है तो किसी भी क्यों का जवाब नहीं रहता। जिंदगी ने मेरे लिए भी सब रास्ते बंद कर दिए थे। ए, नहीं, क्या करना? आप बिस्मी क्यों पढ़ते हैं? ये मां है मेरी। देखिए भाई, समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम इन्हें यहाँ रखते हैं तो दूसरों की जिंदगी को खतरा पैदा हो सकता है। इन्हें छूत का भयंकर रोग लग चुका है। इनकी सेहत के लिए और दूसरों की जिंदगी के लिए इन्हें अस्पताल ले जाना जरूरी है। अच्छा होगा आप इनसे अलग ही रहे, वरना आपकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। ये जिंदगी भी तो इसी की है। मेरी दुनिया मेरी माँ से ही शुरू होती और मेरी माँ पर ही खत्म हो जाती। मेरी परवरिश के लिए वो अकेली औरत सारी दुनिया से लड़ती रही, मुझे दूध पिलाती रही और खुद जख्मों का जहर पीती रही। मेरी उम्र उसके चेहरे पर झुर्रियां बनती गई। वो मेरे लिए बड़ी बड़ी किताबें लाती ताकि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सकूं, लेकिन उन किताबों को खरीदने के लिए हर तकलीफ हर मुसीबत बर्दाश्त करती रही। न जाने कब से बीमार थी, लेकिन उसने मुझे कभी पता नहीं चलने दिया। कहीं कोई ईश्वर था जिसे सब पता था, जो ये सब देख रहा था फिर भी चुप था। धीरे धीरे जख्म नासूर बन गए और ईश्वर देखता था। माँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता बेटा, मुझे मार क्यों नहीं डालता भगवान? ऐसा मत बोल माँ, तू जल्दी ठीक हो जाएगी। भाई साहब, भाई साहब, डॉक्टर साहब कब आएंगे? मेरे को नहीं मालूम। सिस्टर, क्या है? सिस्टर, मेरी माँ बहुत तकलीफ में। इतना तकलीफ का ख्याल है तो सरकारी अस्पताल में क्यों लेकर आए? मेरा गला खोलते, मुझे मुक्ति मिल जाए।
जाएगी और तुझे भी। मेरी माँ मार डाल। मेरी माँ मुझसे बहुत मांग रही थी, ना मैं उसे बहुत दे सकता था ना हराम। उनको जो बीमारी लग चुकी है उसका इलाज बहुत महंगा है। अगर अपनी माँ की जिंदगी चाहते हो तो वो इंजेक्शन ले आओ जिससे तुम्हारी माँ के दर्द को छुटकारा मिल सके। इंजेक्शन मेरी माँ की जान बचा सकते थे, लेकिन इंजेक्शनों के लिए चाहिए था पैसा, बहुत सारा और बहुत जल्द, जो ना तो तुम्हारे बड़े पापा की नौकरी दे सकती थी और ना ही मेरे आदर्श। इधर दर्द बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था और जिस दिन दर्द बर्दाश्त की उस हद से गुजर गया जिसे माँ कहते हैं, मेरा ईश्वर मर गया। और जब मेरा ईश्वर मर गया तो मुझ पर इंसान बनने की जिम्मेदारी भी नहीं रही, और मैंने अपने आदर्श, अपनी इंसानियत, अपना ईमान बेचकर तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हारी जान का सौदा कर लिया। मैं तुम्हारी मौत बनकर आया था, लेकिन तुम मेरी जिंदगी बन गई। मैंने कातिल को मार दिया काजल, मैंने कातिल को मार दिया। अब सिर्फ करण है जिसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, तुम्हारी जिंदगी की हिफाजत। मैं तुम्हारे दुश्मनों को एक एक करके खत्म कर दूंगा। तुम्हें जिसे खत्म करना था तुम कर चुके, अब तुम किसी को भी नहीं खत्म करोगे, किसी को नहीं। हम दोनों बड़े पापा के पास जाएंगे, हम उन्हें सब कुछ बता देंगे। बड़े पापा को अपने दुश्मनों से निपटना आता है करण। ये दुश्मन कोई और नहीं बल्कि दिया जलाक, किसी ने तुम्हें पत्थर से देवी बनाया। ये दिया मेरे करण की सांस है माँ, ये दिया बुझ गया।